साहब काशीराम जी का निधन हुआ तो उस समय कौन सरकार में था? श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी सरकार में थी। तो साहब का निधन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही होती है, उस व्यक्ति की सरकार चल रही है जिसको काशीराम जी ने मरे हुए को जिंदा किया, पार्टी बनवाई, सहयोग करके गठबंधन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसे व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री साहब ने बनाया, उसने अपनी सरकार के दौरान कांशीराम जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक दिन का, छोड़ो आधे दिन का भी राजकीय शोक घोषित उनके सम्मान में नहीं किया। अब तो समाजवादी पार्टी भी माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन मना, तो क्या इसे वाकई जो नई सपा है और जो नारा अखिलेश यादव ने दिया है, वाकई उस पर अमल किया जा रहा है लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ये माननीय काशीराम जी का जन्मदिन मनाने का समाजवादी पार्टी का वोटों को हथियाने का एक हथकंडा और नाटकबाजी है, मैं इसे कहूँगा। चूँकि कुछ जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय जो आनंद लेकर के सरकारों का, कुछ जो माननीय काशीराम जी की चमचा युग के किरदार मैं कहना चाहूँगा, जो अपनी सहूलियत के लिए जो उनकी पार्टी में गए, वो उनको ध्यान में रखते हुए और इस समाज को गुमराह करने की नीयत से, वो माननीय काशीराम जी का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के लोग मना रहे हैं, उनका माननीय काशीराम जी की आइडियोलॉजी से और उनके उससे कोई उनका मतलब नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखिए, 1989 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जनता दल से, तो 1991 में जब जनता दल ख़त्म हो गया और जब ये अलग थलग पड़ गए, तो उस समय ये राजनीति से हाशिए पर आ गए श्री मुलायम सिंह यादव, और इनके हाशिए पर जाने के बाद माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज को जो तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने इस बहुजन समाज को तैयार करने के मकसद से उन्होंने देखा कि आपको हम अपने पूरे तरीके से तैयार करेंगे, तो कुछ लोग मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, तो मुलायम सिंह यादव जी की मरी हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए माननीय काशीराम साहब ने जब इनसे मुलायम सिंह जी से मिले, तो इनको अलग से अलग पार्टी बनाने का, इनको जो है बनवाने का काम किया। तो तब मुलायम सिंह यादव जी ने काशीराम जी के सुझाव पर, समझाने पर, और समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1992 में। और माननीय काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश की जो 425 सीट होती थी उन पर 40% सीटों पर स्वयं लड़ने का फैसला किया और 60% पर मुलायम सिंह यादव को लड़ाने का फैसला किया। यानी हम आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जब जैसा साहब के नज़दीकी लोग बताते हैं, तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि इस अहीर को कौन मुख्यमंत्री बनाना चाहता है साहब, कि मैं तुमको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। तो माननीय काशीराम जी ने उनको, मुलायम सिंह यादव जी को, राजनीति के हाशिए से ला करके समाजवादी बनवा करके और गठबंधन करके चुनाव लड़ा करके 1993 में इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम काशीराम जी ने किया था। ये इसका राजनीतिक इतिहास है। लेकिन जब माननीय काशीराम साहब सरकार जब ये चला रहे थे, तो साहब को नुकसान करने का साहब के बनाए हुए जो मूवमेंट था, सबसे पहले उन्होंने मसूद अहमद को खरीदने का काम किया, दीनानाथ भास्कर को खरीदने का काम किया इसी मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी ने, तो ये काशीराम हितैषी तो हुए नहीं, ना उनके कभी अनुयायी हो सकते। तो उस समय से इन्होंने समाजवादी पार्टी ने ही 4 बार BSP को तोड़ने का काम किया, तहस नहस करने का काम किया है। उसके साथ साथ जो बड़ा जो काम हुआ है, जब मुलायम सिंह यादव जोड़ तोड़ करके BJP के सहयोग से 2004 में मुख्यमंत्री बने, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो जोड़ तोड़ से बने थे, यानी BSP के विधायकों को इल्लीगल तरीके से समाजवादी बहुजन उसके BJP के केशनाथ त्रिपाठी के स्पीकर होने का फायदा लेकर के। तो जब ये सरकार में थे, तो माननीय काशीराम साहब का जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उस समय बीमार हुए, तो 2006 में 9 अक्टूबर को साहब काशीराम जी का निधन हुआ, तो उस समय कौन सरकार में था? श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी सरकार में थी। तो साहब का निधन हो जाता है, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही होती है, उस व्यक्ति की सरकार चल रही है जिसको काशीराम जी ने मरे हुए को जिंदा किया, पार्टी बनवाई, सहयोग करके गठबंधन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसे व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री साहब ने बनाया, उसने अपनी सरकार के दौरान काशीराम जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक दिन का, छोड़ो आधे दिन का भी राजकीय शोक घोषित उनके सम्मान में नहीं किया। तो ये कैसे मान लें हम कि ये जन्मदिन मना रहे हैं? ये दोनों चीज़ हमको देखनी होंगी, ये हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होंगी। यही समाजवादी पार्टी ने काशीराम जी के निधन पर
अपनी सरकार होते हुए उनके सम्मान में राजकीय शोक घोषित नहीं किया हो, वो आज जन्मदिन कैसे मना लेंगे? तो ये केवल लोगों के वोट को हत्याने का उनका एक ये हम इसको नाटकबाजी कह सकते हैं, इनका एक षड्यंत्र कह सकते हैं, कुछ लोगों को झांसे में लेने का इस नाम से। लेकिन फिलहाल तो स्थिति ये है कि कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी को जाटा वोट तो मिला है, शायद इसी की पानी की हो। नहीं नहीं, जाटा वोट उनको नहीं मिला है, उनको गैर जाटा वोट मिला होगा, लेकिन जाटा सीटों पर उन्हें जाटा वोट मिला है, जो कुछ सीटों मेरठ नहीं है, कुछ सीटें नहीं, जैसे मेरठ की बात कर रहे हैं, हस्तनापुर की बात कर रहे हैं हम सीधे सीधे, मेरठ की भी है कुछ, बुलंदशहर की है कुछ सीटें जहां पर उनको वोट मिला। तो मैंने चुनाव से पहले एक फेसबुक पे लिखा कि आज के समय में चमचों की राजनीतिक इसमें बाजार में चमचों की बड़ी मांग, चमचों की कीमत में आया उछाल। तो ये क्यों कहा गया? क्योंकि जो वर्तमान राजनीतिक समय था वो चमचों का समय आ गया, तो जो चमचे थे अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों में जो गए, वो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को हर कोशिश करके ले गए होंगे, तो जो चमचा युग के जो किरदार हैं, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो लोग गए हैं, उनके परिवारों ने वोट दिया होगा, समाज ने BSP को वोट दिया है। माननीय बहन जी ने इस बात को एडमिट भी किया और गर्व भी महसूस किया है और आभार भी व्यक्त किया है। जाटव समाज तो ये जानता है कि यही समाजवादी पार्टी है जिसने मान्यवर काशीराम जी के 9 अक्टूबर 2006 में निधन पर राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इसी समाजवादी पार्टी ने मान्यवर काशीराम साहब के सम्मान में बनाए गए काशीराम नगर को ख़त्म करने का काम किया। इसी समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारकों को अय्याशी का अड्डा कहा और हमारी सरकार आने पर इनमें बिल्डोजर चलाने का जो इन्होंने ऐलान किया था, ये सब लोग जानते हैं। तो ये सब जान करके इनके साथ कोई नहीं जा सकता, चमचे जरूर इनके साथ गए हैं और चमचों से ही समाज को सावधान रहना चाहिए, जैसा मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी चमचायु की किताब में लिखा है, वर्णन किया है। तो मैं उन लोगों को इस काशीराम साहब के जन्मदिन के मौके पर यह जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो काशीराम जी के मानने वाले लोग हैं वो उनकी किताब चमचायु का जरूर अध्ययन करें और चमचों से सावधान रहें। जो लोग अब तक मान्यवर काशीराम साहब का नाम लेना तक कुछ इतने समझते थे, आज उनकी जयंती भी मना रहे हैं, तो क्या कहें कि बसपा कमजोर हो रही है, इस बात का फायदा उठा रहे हैं? हाँ देखिए, काशीराम साहब को तो 105 लोगों ने 1985 में कांग्रेस की इशारे पर धोखा दिया। काशीराम साहब को 1984-85 में जो अर्जुन सिंह और कांग्रेस के राजीव गांधी ने जिनको तोड़ा खरीदा ऐसे करके, जिसको हम बामसेप कहते हैं, वही लोग जो काशीराम साहब के 1985 से लगातार विरोधी रहे हैं, उनके मूवमेंट को लगातार कांग्रेस के पैसे से रोकने का जो काम करते चले आ रहे हैं, वो आज काशीराम साहब का फोटो लगाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। तो ये ढोंग और नाटकबाजी है। अब उनमें आप लोग जानते हैं जो तथाकथित बामसेप है, वो जो तथाकथित बामसेप जो कौन चला रहे हैं, जो 85 में कांग्रेस ने खरीदे थे, जो साहब के खिलाफ तैयार किए थे, वही लोग आज साहब की जयंती मना रहे हैं, वही मिशनरी बन रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। समाज के लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को सावधान रहना चाहिए उन लोगों से कि मान्यवर काशीराम साहब का जो आज नाम ले रहे हैं, यही लोग 1985 से काशीराम साहब के विरोधी रहे हैं, उनकी बामसेप को तहस नहस करके अपने हाथ में लेकर के कांग्रेस के इशारे पर उनके फंड से, जो उस समय का आंकड़ा है जो 5 करोड़, साहब ने तो इनके लिए ये भी कहा था कि ये मरे जानवर के भाव बिके हैं, इनको तो दूध दुधारी भैंस के भाव बिकना चाहिए था, यानी कांग्रेस ने इनके खरीदने के लिए 100 करोड़ का फंड रखा और ये लोग 5 करोड़ में बिक गए। तो साहब ने कहा था ये मरे जानवर के भाव बिके हैं, इनको कम से कम दूध वाले पशु के भाव बिकना चाहिए था। तो ये सब लोग साहब के समय के गद्दार हैं, साहब को उस समय इन्होंने तब भी नुकसान किया था, आज साहब का जो नाम ले रहे हैं, साहब के पूरे जिंदगी खिलाफ रहे। तो ये बुद्धिजीवी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए कि जो लोग जब काशीराम राजनीतिक फायदा तो हो रहा ना उनको, यही दिख रहा है राजनीतिक फायदा, चमचा का काम ही है, चमचा का काम यह है कि परोस के दूसरे को फायदा पहुंचाना, वो अपने आप में तो कुछ नहीं खाता ना, तो चमचा जो है दूसरे के लिए काम करता है, तो ये दूसरों के लिए काम करते हैं। हाँ इनका फायदा हो रहा है, चमचा जो धातु का बना होता है वो फायदा नहीं पहुंचाता, लेकिन जो राजनीतिक चमचे होते हैं वो अपना फायदा अपने परिवार का जरूर कर लेते हैं, उनसे इकोनॉमिक फायदा पहुंचा लेते हैं। अभी सपा ने अपनी MLC की लिस्ट भी जारी की है, उसमें 2 मुस्लिमों को छेड़कर बाकी सभी यादव को रखा गया है, तो उस पर भी सवाल होता है। तो ये तो मुस्लिम समाज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिस अपने यादव समाज की प्रदेश में आबादी है 6-7%, उनको 20 में से 15 और जो 20% आबादी का 10% उनको वोट देता है, उनके हिस्से में 2% 2 सीट आ रही है, तो उनको देखना चाहिए। वो ना कभी इनके पहले हितैषी थे ना कभी आगे हितैषी होंगे, उनका मकसद है अपने फायदे में अपने परिवार के लिए राजनीति करना समाज के नाम पर। दलित तो एक भी नहीं है उनमें?
दलित की उन्हें जरूरत ही नहीं है, तो दलितों को चमचों को समझना चाहिए, जो चमचे उनके यहाँ झंडा उठा रहे हैं, उनके दलित बिछा रहे हैं, ये तो उन दलितों को देखना चाहिए, जो यहाँ राज्यसभा में रहे उनको ये लड़ने का उनको भी मौका नहीं मिला, जो दलित जो राज्यसभा 18 साल रहे हैं उनके यहाँ जो दलित बिछा रहे चमचागिरी करने गए हैं, जो मिशन से भटकने के लिए कह के गए, उनको शर्मानी चाहिए, मैं कहता हूँ उनको नहीं आनी चाहिए शर्म उनको, वो दलितों के जो लोगों की जो चमचागिरी कर रहे हैं उनकी, तो ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहना चाहिए, इससे ज़्यादा साफ तस्वीर नहीं हो सकती है। उनके यहाँ दलितों की लीडरशिप के लिए ना कभी पहले जगह थी ना आज जगह है, काशीराम जी के मूवमेंट के लिए ना उनकी पहले जगह थी ना आज है, राजनीतिक फायदे के लिए काशीराम साहब का और बाबा साहब का नाम ले। अब बताइए दलित दिवाली कहते हैं, दलित दिवाली शब्द दे रहे हैं, 14 अप्रैल को दलित दिवाली बताते, शर्म नहीं आ रही उन दलितों को जो दलित दिवाली करे। दूसरी बात, बाबा साहब वाहिनी ये कोई संगठन है, वो समाजवादी पार्टी का भीतर कहते हैं कि बाबा साहब वाहिनी, अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आप अगर इस तरह की वाहियात हरकतें वोट के लिए कर रहे हैं और आप उनकी बात कर रहे हैं तो ये डूब मरने वाली बात है मेरे हिसाब से। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।